Hey everyone, what's up? It's me, Nabilshzd, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new video. This is your boy's issue. So right now, I'm going to react on the trailer of Zarrar. It's a Shaan Shahid, Kiran Malik, Nadeem Baig film. काफी excited हूँ मैं पाकिस्तानी trailer देखने के लिए क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक देखा नहीं है. So let's further ado, why don't we jump into the trailer? Pakistan with a title of failed state when your job is done. Kissing ass Oscar movement for 30 years. Just in front of us. Stop here. Stop here. Top three most wanted in the U.S. propaganda are all in Pakistan. 16 years. We need another kid in the first line of defense. We go and we budget. We use state and non-state actors to achieve the country's strategic or political objective. हमें जहाँ दी कश्मीर से क्या हमें जहाँ पाकिस्तान से शुरू करना है. Cheers to the dark future of Pakistan. ना आजकल तो dark future of world चल रहा है. तो जंग की तैयारी करो. Dear devil वाला scene करने वाले हैं long haul scene. Yaar please. पूरा डेयर डेविल वाला सीन कॉपी किया है यार. ये तो नहीं करो लॉन्ग होल सीन. माय नेम इज ज़र्रार. आई वाज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल यूनिट इन द आईएसआई. वी आर आउट देयर टू एलिमिनेट द थ्रेट्स टू द कंट्री बिफोर दे हैपन. पाकिस्तान इज अ थ्रेट एंड वी हैव द राइट टू फिनिश व्हाट वी कांट कंट्रोल. बजट तो तगड़ा है. टर्की एयरवेज वो एक्शन ज्यादा काफी अट्रैक्ट करता है मुझे मूवीज में ना. एक्शन मूवीज में अक्सर मैं मतलब क्या कहते हैं उसको फैंस होता है ना एक्शन मूवीज का जो उससे प्यार होता है. आई गेस दैट्स व्हाट लव इज. Everybody is looking for peace. Find peace. Find peace. Aman chahiye to aman mil raha hai. Andar mein Jehan aa gaya. ये तो कभी खुशी कभी गम वाला घर था. सो ट्रेलर ठीक था. इतना एक्सट्रीमली एक्साइटेड तो नहीं किया ट्रेलर ने मुझे जिस तरह के मुझे पाकिस्तानी फिल्मों के ट्रेलर मोस्टली कर जाते हैं क्योंकि इतने कोई बड़े सीन नहीं थे. अच्छे सीन थे लेकिन उस लेवल के अच्छे सीन नहीं थे. मूवी के बारे में बात करूं तो जो कैमरा रोलिंग है उसके अलावा जो सिनेमैटिक सीन्स लिए गए हैं जो फाइटिंग सीन्स हैं एक्शन सीन्स हैं ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था. ट्रेलर मुझे इतना कोई खास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट. शान शाहिद आई गेस इस टाइप की फिल्में इंजॉय करते हैं. उनकी सारी फिल्में इस टाइप की होती हैं. वॉर हो गई है ऑपरेशन 21 हो गई फिर और भी जो भी इनकी फिल्में आती हैं इसी तरह के जॉनर में आती हैं तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया इस तरह के जॉनर से. कुछ और भी इनको ट्राई करना चाहिए एक ही चीज में. बीच में इन्होंने की थी ट्राई वो जो इंडियन फिल्म का रीमेक किया था वो आई गेस चली नहीं थी. क्या नाम था उसका मैंने रिव्यू दिया हुआ है नीचे पड़ा होगा कहीं. तो उस टाइप की फिल्में चले वो भी ठीक फिल्म थी जिसमें हालांकि बहुत अच्छे एक्टर हैं ये जब करते हैं ना ये
बहुत ही कातिल लुक है शान शाहिद का, तो इनको कुछ और चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, ट्रेलर ऑब्वियसली बहुत उम्दा तरीके से शूट किया गया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन कुछ कमियां फील हुई हैं, जैसे कि आजकल के पाकिस्तानी ट्रेलर्स में भी चॉपर्स दिखाए जाते हैं, ये हम भी दिखा सकते हैं। इसमें इन्होंने काफी अच्छे सीन दिखाए हैं, काफी जगहों में शूट की गई है फिल्म, टर्की के सीन भी थे काफी, इंग्लैंड के सीन भी थे काफी, पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली होंगे। खोड़ा माइंड लग रही थी मुझे एक सीन में, तो उस वे में तो अच्छा ट्रेलर शूट किया हुआ है, लेकिन इतना कैची फील नहीं हुआ। और अब पता नहीं ये रिलीज कब हो रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं सिनेमास तो वैसे ही बंद हैं, तो आई डोंट नो ये कब रिलीज हो रही है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म। शान की काफी अच्छी अच्छी मूवीज आई हैं, बैक टू बैक काफी हिट मूवीज देता जा रहा है, अब ये ज़र्रार आई है, तो ट्रेलर के हिसाब से तो काफी अच्छी मूवी है, देखते हैं कैसी मूवी होगी, क्योंकि जो जिसके अलग अलग सीन्स हैं, जो जो जैसे जैसे सीन्स हैं सब कुछ डिफरेंट है। ये मूवी लंदन में शूट की गई है, लंदन के भी मतलब दो स्टोरीज दिखाई गई हैं, मतलब एक स्टोरी है उसके अंदर ही कोई इन्होंने बैक स्टोरी कोई वॉर्स का दिखाया गया है, जो इनके बीच में पीछे तरारें चढ़ती आ रही हैं, और टेररिस्ट का दिखाया गया है कि क्या क्या सीन चल रहे हैं। तो होप कि अच्छी मूवी हो, क्योंकि ये हमारे सिनेमा में मैं जाके देखूंगा इसको, क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड लगी है। इससे पहले एक मूवी आई थी, आई थिंक सो वार मूवी थी, वार थी के जिसके अंदर हमजा अली बासी भी था, शुरू में मूवी आई थी जब इन्होंने अपनी मूवीज कैटेगरी शुरू की थी पाकिस्तानी ने, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा इस चैनल पे किसी पाकिस्तानी मूवी का ट्रेलर, तो अच्छा लगा है, उम्मीद है कि मैं आगे भी देखता हूँ रहूंगा। सो पहले मूवी का रिव्यू कर लेते हैं, तो जो ट्रेलर शुरू होता है, ट्रेलर काफी लंबा खींचा हुआ था, काफी देर बाद हाइप क्रिएट होती है ट्रेलर की, खींचा जा रहा है, मोदी साहब भी दिखाए गए बीच में, उसके बाद जी हीरोइन दिखाई गई इधर, तब मुझे जब मैंने रिएक्शन दिया तब मुझे पता नहीं चला कि हीरोइन यहाँ पे थी, हीरोइन रिपोर्टर प्ले कर रही है आई गेस। उसके बाद चॉपर में से पता नहीं कौन आता है, सब 9/11 मस्जिदों के सीन दिखाए जा रहे हैं कि लोग सारे प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है, सबको तबाह कर रहा है दुनिया को, कोई बंदा खुश नहीं है, डार्क फ्यूचर टू द पाकिस्तान, भाई दुनिया का फ्यूचर डार्क चल रहा है अभी, मुझे तो अपनी टेंशन लगी हुई है, तुम लोगों को पाकिस्तान की लगी हुई है, पता कोई नहीं है। उसके बाद ही शान शाहिद आता है, कहता है मुझे नहीं पता, मैंने डेयर डेवल वाला सीन करना है, जिसको कहते हैं लॉन्ग हॉल सीन। डेयर डेवल एक शो आता है नेटफ्लिक्स पे, आप लोग देख सकते हो, उसमें ना एक सीन शूट किया गया था लॉन्ग हॉल सीन, उसमें यानी कि होल था लंबा सारा, और वो विदाउट एनी कट वो सीन पूरा शूट किया गया था, तो उसके बाद वो इतना फेमस हुआ ना सीन के, इस तरह के सीन्स को लॉन्ग हॉल सीन्स बोलने लग गए हैं। उसके बाद पार्ट टू में उन्होंने लॉन्ग स्टेयर सीन किया था उसी का कॉपी, लेकिन शान शाहिद कहता है मुझे भी वो करना है, उसके बाद वो करता है, फिर उसके बाद गोरे चिट्ठे लोग बोलते हैं कमीने पाकिस्तानी धूल मिट्टी में जीने वाले लोग, फिर वो लोग सब कहते हैं हम तुम लोग खेड़ा माइंड में मिलके हेलीकॉप्टर चॉपर से उतर के हिंदुस्तान सॉरी पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, मोस्टली वो इंडियन फिल्मों के रिएक्शन है। फिर शान शाहिद और नावीद शेख विंटेज कारों में से उतरते हैं, शान शाहिद तो लैम्बोजीन कौन सी जो भी लाल कार से निकलता है, उसका ठाठा ठा बंदे से, फिर हीरोइन की एंट्री होती है, हीरोइन कहती है पाकिस्तानी हीरोइने भी छोटे कपड़े पहन सकती है, ठीक है ना, हम भी यूके में छोटे कपड़े पहन सकती हैं, फिर वो कहती है अचानक ही हो गया, मुझे पता नहीं चला, आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन हो गया। तो उसके बाद जी वो अश्लीलता का नंगा नाच करते हैं दोनों थोड़ा सा, फिर उसके बाद रेगिस्तान पहाड़ों पे जाके भी नाचते हैं, फिर रॉ का एजेंट आता है, ठीक है जी पहली बार इतनी तगड़ी बॉडी वाला विलन आ रहा है पाकिस्तान में, तो मैं तो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद खा बचिया कहता है अब तो शुरू होगा, सब कुछ अब शुरू होगा। उसके बाद शान साहेब ठट बंदे मारते कहता है वॉर नहीं खत्म होती, बंदे खत्म हो जाते हैं, गाड़ियां चला रहे हैं टर्की की सड़कों पे, ये 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 ये। उसका शान शायद फिर से गोली निकालता है, बंदे मारते हैं, शान शायद पे गोलियां चल रही है, शान शायद ड्रिफ्टे मार रहा है, गाड़ियों में गाड़ियां मार रहे हैं। उसके बाद पता नहीं वो आई गेस हीरोइन को पकड़ा हुआ किसी ने, उसके बाद टैंकर, फिर उसके बाद कारें ड्रिफ्ट हो रही हैं, ये ये ये। फिर एकदम बीच में ना फिल्म में कहीं से जॉन इब्राहिम निकल आता है, मुझे नहीं पता कहां से निकला लेकिन निकल आता है, फिर उसके बाद डी डी डी। फिर जनाब सबसे बुरा सीन, दिल टूट गया सीन में, गुरुकुल वाले घर से निकले हैं शान शाहिद, पूरे गुरुकुल वाली फैमिली मार दी, गुरुकुल वाला घर भी यही था आई गेस, और क्या नाम है वो कभी खुशी कभी वाला गम वाला घर भी यही था। बहुत ही एंड में राजा जी अफसोस दे गए हैं मुझे,
कि इसमें अब अमिताभ बच्चन दोनों घरों में अमिताभ, गुरुकुल में भी अमिताभ बच्चन थे, इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, क्या नाम है कभी खुशी कभी गम में भी अमिताभ बच्चन थे, इसमें भी शाहरुख खान थे, इसमें भी शाहरुख खान थे। तो मुझे तो अब डर लग गया शान शाहिद सबको फुड़काया है भाई, क्या हो गया, वो नहीं थे दुश्मन, तू जाके अच्छे बंदे मारा है फिल्मों वाले, एक तो वैसे ही शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं आ रही, ऊपर से शान शाहिद उनके घर में घुस के उनको मारा है, क्या कर रहे हो यार राजा जी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये आखिरी सीन ने मेरा दिल तोड़ दिया, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। मुझे तो शक है गुरुकुल था ये, कमेंट में बताओ कि कौन सा घर था, मुझे तो गुरुकुल वाला घर भी यही था लग रहा, और मेरे ख्याल से और कौन सा था वो कभी खुशी कभी गम वाला जो घर भी यही था। तो अगर गुरुकुल वाले घर में गया तो स्टूडेंट भी फुड़काया फिर शान शाहिद, ये गार्ड गुड बाहर पड़े थे, अंदर सारे स्टूडेंट फुड़का दिए शान शाहिद ने, नहीं तो अगर कभी खुशी कभी वाला गम वाला घर था तो ऋतिक भी गया, शाहरुख भी गया, अमिताभ बच्चन भी गए, सारे गए, शान शाहिद ये एंड में तुम गलत कर गए हो, बाकी सब कुछ ठीक था, ये एंड में तुम गलत कर गए हो। मैं उनकी फिल्मों का रिव्यू करता हूं, तुमने ऐसा क्यों किया। खैर तो सबसे पहले मैं वीडियो का रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले जो सीन मुझे अच्छा लगता है कि वो गाड़ी आपस में खड़ी होती है और ना गंजे से निकल के आते हैं, अरे मैं आया हूँ पहले, मैं हूँ पहले, मैं हूँ यार। फिर वो कुछ ना बैक स्टोरीज बताते हैं जो कि चलती आ रही हैं वॉर्स की, पाकिस्तानी वॉर जो भी है वो सब कुछ अमेरिका यहाँ जो भी उनका दिखाते आ रहे हैं कि क्या क्या सीन था, बैक वॉर्स में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। उसके अलावा एक और गंजा आता है, मतलब गंजे बहुत हैं यार इस मूवी में ना, मतलब भरमार है गंजों की, वो हेलीकॉप्टर में से निकल रहा है। उसके बाद फिर माशाल्लाह मस्जिद में बैठे होते हैं मौलाना साहब, तो मतलब क्या कहते हैं कि हमें तो ये चाहिए, हमें जहाँ से जंग शुरू की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा एक बंदा आता है कहता है मेरे हाथ में वाइन है और मैं ही इसका मालिक हूँ, तो तुम कोई नहीं होते। फिर सबसे अच्छी बात मुझे तब लगती है जब शान की एंट्री होती है, बिकॉज मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ शान का, लेकिन फिर भी अच्छी एक्टिंग करता है, मैं काफ़ी अच्छा फिर भी बंदा है। उसके बाद जो फाइटिंग सीन है, उसके बाद फाइटिंग शुरू हो जाती है सब कुछ, और सारे जो उसमें सिनेमेटिक सीन्स मिला के और सारे ग्राफिक सीन्स मिला के और जो कैमरा जो एडिटिंग सिस्टम मिला के जो काफ़ी काम करते हैं, फिर उसके बाद शान खड़ा होता है, आप उनको तो पीस चाहिए, पीस पीस, इसको बर्गर का पीस चाहिए कि मलाई बोटी का, शॉर्मे का पीस चाहिए कि पिज्ज़ा का पीस, हम देसी लोग हैं तो हमें तो फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर आता है, वो क्या कहते हैं चोपर नहीं कहते जिसको, वो आता है, उसके बाद फिर गंजा बाहर आता है, पता नहीं गंजे तो उन्होंने भर दिए हैं ना यार, गंजे नहीं इतने लाने चाहिए, गंजों से टकला मैं फील होता है मुझे। और फिर बंदा शान निकलता है अपनी ना मतलब कमाई से ली हुई फरारी में से जब बाहर आता है तो फिर उसको मिलता है द लेजेंड पर्सन, और क्या नाम है उसका मलिक साहब, उनको मिलते हैं। फिर उसके बाद मतलब लंदन की सड़कों पे फिर रहे हैं, मतलब मेरा भी ख्वाब है कि मैं भी कभी लंदन की सड़कों पे फिरूं। उसके बाद आती है किरण की एंट्री आते ही ना मतलब रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाते हैं, गाना स्टार्ट हो जाता है, माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स आ जाता है, फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है, मतलब फाइटिंग एक्शन ही एक्शन डाल दिया उन्होंने। फिर एक बंदा जेल में बैठा बोलता है यस मुझे तो लड़ाई चाहिए, तुमने जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, लड़ाई नहीं होगी तो मुल्क में कुछ नहीं है। फिर शान आता है, शान कहता है बस मैं तो एक ही चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे ना तो मिले वो चीज़, और वो चीज़ है पीस, वो अमन ढूंढ रहा है, उसको अमन दे दो, मेहरबानी है उसको अमन दो ताकि वो हरियाली फैलाए, मतलब आसमान जमीन फाड़ दे, दरिया यस ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद लड़ाई 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 के बाद सब जो फायरिंग सिस्टम आता है, उसके अलावा जो क्या कहते हैं उसको टनल में जब आगे खड़ा होता है ना तब आगे सही सिस्टम पता चलता है कि भाई है भाई की टोर है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बेंगलोर दिखाते हैं, बेंगलोर में से फिर शान बाहर आता है। अच्छा शान की मजे की बात यह है कि उसको ना उन्होंने गंजा नहीं किया, अगर गंजा होता ना तो शायद मैं ट्रेलर के बाद इतनी जो बातें वो भी ना करता। तो ज़रार जो है मूवी काफी अच्छी लग रही है। So guys, that's it for now. This is my trailer review on Zarrar. If you like watching my trailer review, please give me a big fat thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, like. Basically, I'm everywhere. Simply search Nabilshzd and you will find me. मुझे TikTok, Instagram, Snapchat पे मैं कम होता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी आ जाऊँगा। YouTube पे हूँ, मेरा एक पर्सनल चैनल भी है ऋषि फैम के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपको यहाँ पे चैनल के दो आइकन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी। जाएं अमन फैलाएं, पीस
हमें भी चाहिए थोड़ा सा. तो बाय बाय, टेक केयर, पीस.